नमस्ते, स्वागत है डियर हैप्पी एंड रिच फ्रेंड। टोरस लग्न, वृषभ लग्न, आपके लिए सितंबर 2000 कैसा रहेगा? 24। देखिए, ये महीना खुशियों से भरा घर है और संतान की तरक्की। इन शॉर्ट, एक ही लाइन में कि खुशियों से भरा घर, हैप्पीनेस एट होम। कोई घर प्लान कर रहे हैं, कुछ ओल्ड एज का प्लान कर रहे हैं, बड़ा अच्छा टाइम। और कुछ संतान के विषय में अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम है। गुरु आपका शुक्र को देख रहा है, बेस्ट टाइम टू प्लान अ बेबी, दिस इज द बेस्ट टाइम संतान की तरक्की। और ये महीने का देखिए, मैंने हेडिंग जो लिखा है, कुछ कंट्रोवर्सी जो वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ आपकी है 8 जुलाई से जो चालू है, या 8 सितंबर के बाद वो भी खत्म हो रही। यानी कि आपका स्पाउस से आपका जो बात बात में जो माथापोड़ी हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, कुछ आध्यात्मिक काम भी बनेंगे। इस महीने का देखिए हेडिंग लिखा है मैंने, हैप्पीनेस एट होम, खुशियों से भरा घर, संतान की तरक्की, प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड। और एक चीज लिखा है देखिए मैंने, लव अफेयर, क्योंकि शुक्र आपके लव हाउस में, लग्नेश पंचम में है केतु के साथ, तो ये कोई ना कोई गुप्त प्रेम संबंध देगा आपको। कोई है तो 25 अगस्त से 17 सितंबर में आप प्रपोज करें उसको, बढ़िया टाइम है। और उसमें भी पर्टिकुलरली मैंने प्रपोज करने के लिए 5 सितंबर द बेस्ट बोला है। वो इसी टाइम में आ जाएगा जब शुक्र आपके फिफ्थ हाउस से जा रहा है, चंद्र शुक्र का अपोजिशन होगा। तो ये बट एक चीज इसमें माइनस है, एवरीथिंग इज ओके, ये धनस्थान का मंगल। धनस्थान का मंगल मतलब आपका बोलना और किसी को चुप जाना, किसी के दिल को लग जाना, मंगल करे दंगल। ये मंगल आपके फैमिली हाउस में बैठा है, आपका पूरा परिवार एकत्रित हुआ हो, ऐसा सिचुएशन हो, क्योंकि घर खुशियों से भरा है तो होगा ही, घर में बहुत सारी खुशियां है। बट आप जब बोलते हैं, मंगल मने आपका बोलना सेकंड हाउस में और किसी को चुप जाना, तो डोंट बी सो मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, जरूरत नहीं है वहां चुप रहना की कोशिश करिएगा। और गाय को गुड़ खिलाइएगा, गौ सेवा, गाय को गुड़ खिलाइएगा तो इसके लिए फायदा रहेगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले हर महीने को बताता हूं आपको, कैलेंडर में ये डेट मार्क करें आप, 2nd, 3rd, 4th, 18, 19, 20 और 24, 25 एंड 26, इसको मार्क कर दे कैलेंडर पे, क्रॉस ही कर दे कि इस दिन में आपको केयरफुल रहना है। यानी कि 30 दिन का महीना है, उसमें से 3, 6, 9 दिन ऐसे हैं जो आपको केयरफुल रहना है, बाकी के 21 दिन आप आपकी सरकार चला सकते हैं। देखिए मजे की बात, वृषभ लग्न, वृषभ लग्न केजरीवाल जी का भी है और ये शनि कर्म स्थान में है। आप समझिएगा मजे की बात, देखें कि केजरीवाल जी का जो हम पोजीशन देख रहे हैं, 17 जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक केजरीवाल जी के 10th हाउस से शनि जा रहा है, आपके भी 10th हाउस से जा रहा है। मतलब काम बहुत बड़ा है, मेहनत है, फायदा नहीं है। जो अगर कहीं भी आपके देखिए 10th हाउस का शनि आदमी को नीचे भी गिराता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपने गलत किया है तो ये 10th लॉर्ड शनि है आपका कर्मस्थान में ही है, तो इसको ये चीज इस अर्थ में है कि आपके मेहनत, आप जो काम धंधे में जो मेहनत कर रहे हैं अभी, वो इस महीने में भी जारी रहेगा आपके ऊपर। जो मैं समझता हूं, देखिए शनि का ही नेगेटिविटी नहीं है, शनि योग कारक है। केजरीवाल जी के लिए भी जो जहां से फंसे पड़े हैं, देखिए जनवरी 23 से मार्च 25 तक का आपका जो कर्मस्थान में मेहनत ज्यादा और रिवॉर्ड कम है, बट ये एक तरह का वो बोर है, वो ऐसा अर्थ समझिए। और मार्च 2025 के बाद रास्ते क्लियर हो रहे हैं, वो भी है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन में मैंने बोला ये डेट 31 दिन का महीना और 9 दिन आपको केयरफुल रहना है। अब डेट वाइज देखिए 30 अगस्त और 1 सितंबर, ये दिन आपके लिए दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, बड़ा अच्छा टाइम है, कोई बहुत बड़ा सपना देखने का टाइम, और कोई बहुत बड़ी एम्बिशन आपके दिमाग में आप लेंगे, मतलब महत्वाकांक्षा का दिन है, अच्छा दिन है। 30 अगस्त 1 सितंबर बढ़िया दिन है, बेस्ट दिन है। अब 2 सितंबर से 4 सितंबर तक इसको कहीं नोट करके रखें, आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा ये संभावना है, किसी फीमेल मतलब फैशनेबल चीज के पीछे भी खर्च हो जाएगा 2, 3, 4 सितंबर को। कुछ डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, अगर आपके पास व्हीकल है तो ये खर्च करवाएगा आपको 2nd, 3rd और 4th को।
सेकेंड थर्ड और फोर्थ को आपकी काम आप काम आप करेंगे, क्रेडिट कोई ले जाएगा। कोई सेवा से आप जुड़ सकते हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ, और कुछ लोनलीनेस भी महसूस होगा आपको। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ को ज्यादातर आपके जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको पेंडिंग रखिएगा। अब फिफ्थ सिक्स और सेवन सितंबर, 7 सितंबर शाम को 4 बजे तक का जो टाइम है, ये आप अपने आप को रिवाइज करने का टाइम है, अपने आप को आप स्टडी करेंगे। कोई बहुत बड़ी जंप मारने के पीछे, जंप मारने के पहले का जो टाइम है वो ये टाइम 5, 6 एंड 7 को आप देखेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और आपका जो टारगेट है वो कितना दूर, और फिर आप जंप होगा आपका। तो 5, 6, 7 तारीख 4 बजे तक का जो है टू रिवाइज योर सेल्फ, अपने आप को देने के लिए वक्त है ये। अपने आप को दीजिएगा कहाँ चूकते हैं, कहाँ आपको क्या स्टेप लेना चाहिए फ्यूचर के लिए, इसको डिसाइड करने का ये तारीख। ये दिन बड़ा रोमांटिक भी है आपके लिए, 5, 6, 7, और मैंने 5 तारीख आपको बोला भी है मोहब्बत करने के लिए बेस्ट है 5, 6, 7। अब 7 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 8 और 9, ये 4 बजे के बाद का है, आफ्टर 4 PM है फाइनेंस 7, 8, 9। ये फाइनेंशियली द बेस्ट रहेगा आपके लिए 7, 8, 9। किसी को उधार दिया हो तो वापस मिलेगा, कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको कॉल करिएगा। 7, 8, 9 फाइनेंशियली इस महीने का सबसे बेस्ट दिन, आपका पूरा फैमिली एकत्रित होगा। मैंने बोला खुशियों से भरा घर, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो भी बढ़िया है। 7, 8, 9 ये बहुत अच्छा दिन, कुछ अच्छा घर में आप हीरो बन गए होंगे आपकी जबान की वजह से। मैंने बोला ऐसा ये ध्यान रखिएगा, मंगल भी सेकंड हाउस में, आपका बोलना किसी को छूपना नहीं चाहिए, भगवान ने वाणी दिया इसका यूज करिएगा। और बहुत किसी से पैसा मांगना हो तो 7, 8, 9 द बेस्ट है। अब आगे चलते हैं 10, 11 और 12, ये भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम, शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग में जाने का टाइम 10, 11, 12। और कोई डेयरिंग करेंगे, हो सकता है कोई पड़ोस में ही डेयरिंग कर दे आप, 10, 11 और 12 ये दिन आपके लिए हिम्मत और सक्सेस का दिन है। काम धंधे में कुछ चैलेंज होगा, बट वो आप बखूबी बोलने की एबिलिटी से आप उस पर मात साबित कर देंगे, मात कर देंगे अपनी, अब जीत विजय प्राप्त कर देंगे 10, 11, 12। अब 13, 14 और 15 तारीख जो मैं बोल रहा हूं हैप्पीनेस एट होम वाला जो लिखा है, उसका कुछ अनुभव आपको 13, 14 और 15 तारीख को मिलने वाला है। हैप्पीनेस एट होम, खुश खुशियों से भरा घर, घर प्लान कर रहे हैं, घर देखने जाना हो, कुछ ओल्ड एज का प्लान भी होगा, घर में ममा के साथ का, आपकी ममा है बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव, योर मॉम इज अ डोमिनेटिंग मॉम, बहुत रुबाबदार मम्मी की संतान है। और 13, 14, 15 को कुछ मामा के साथ का आपका रिलेशन और मजबूत कर पाएंगे। आपके मैरिज लाइफ का जो स्ट्रेस का एक वजह है, आप ऑब्जर्व करिएगा अपने आपको, अगर कर सकते हो, आपकी मम्मा का सेल्फ रिस्पेक्टिव और डोमिनेटिंग नेचर है, इसकी वजह से कभी कभी आप महसूस करते भी होंगे ये चीज को। तो 13, 14, 15 वो चीज। अब 16 और 17 तारीख मैं जो संतान के विषय में बोल रहा हूं, गिव दिस टाइम टू द पर्सन टू होम यू लव, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको 16 और 17 तारीख दीजिएगा, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो कोई पर्सन हो जिसको आप प्यार करते हो। और 17 तारीख के बाद शुक्र आपके आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि नीच राशि का उसका नीचत्व भी जा रहा है, लग्नेश केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, बढ़िया टाइम है, इसको निजभंग मिला है। आपकी होशियारी का फायदा आपसे ज्यादा दूसरे को होगा, वो ये चीज दिख रहा है शुक्र नीच राशि का, बट 17 तारीख तक का टाइम अच्छा है। अब 18, 19 और 20 ये टाइम आपके हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने का टाइम, बट आप एक बात देखें कि 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक लग्नेश आपका 6 में जा रहा है, कोर्ट कचहरी का कुछ केस हो तो ये आप 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक उसमें उलझेंगे, कुछ झगड़ा भी होगा, कुछ कर्ज भी लेंगे, कुछ अपनी मौज मजा के लिए आप पैसा भी वापरेंगे, और हो सकता है आपके मैटरनल पर्टिकुलरली मामा या मौसी के घर आपका मुलाकात हो सकता है। हो सकता है आप में से किसी को देखिए वृषभ लग्न है, मौज मजा करने वाला लग्न है, तो कुत्ता उत्ता लेके आएंगे आप घर पे के आई वांट टू कैप कैप पेट डॉग। तो ये 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक हो सके तो घर में पौधे लेके आइएगा, उगाने वाले ये जो पौधे मतलब पेड़ पौधे
ये लेके आइएगा, जिसको फूल उगता है ऐसे पौधे आपके लिए पर्टिकुलरली। जिस दिन फूल उगेगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि जब जब फूल उगता है उसमें आपको लाभ होता है। तो ये 18 सितंबर से 12 अक्टूबर में केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली मैंने 18 19 20 बोला थोड़ा हेल्थ के लिए, झगड़ा ना हो जाए इसके लिए, कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो उलझेंगे आप उसमें। 18 19 और 20 तारीख को 21 22 23 आप छा जाएंगे। 21 22 23 विल बी द बेस्ट टाइम फॉर योर मैरिज लाइफ। आप अविवाहित है तो ये समझ लीजिएगा कि आपके घर पे आपके डोर पे 21 22 23 को विवाह की दस्तखत भी होगी। 21 22 23 मैंने विराज के लिए यस लिखा है, वो 21 टू 23 सितंबर है ये मान के चले। प्रपोज तो कर ही दो क्योंकि लग्नेश भी पंचम में है, गुरु से दृष्ट भी है और वो बहुत बढ़िया टाइम है 21 22 23 अविवाहित लोगों के लिए विवाह का। और आपके कर्मस्थान में शनि की राशि है, मतलब पुअर पीपल से आप लोग का पाला पड़ता है काम धंधे में। लोहा लेबर पुअर पीपल कॉन्ट्रैक्ट वर्क लेबरों के साथ का कनेक्शन छोटे लोगों के साथ का कनेक्शन ये कुंभ का शनि कुंभ राशि में शनि उसकी वजह से है। मेहनत बढ़ रहा है बट काम धंधे में और पब्लिक में 21 22 23 आपको रिकग्निशन मिलेगा। पत्नी या पति आपकी बात को सीरियसली लेगा और उसके साथ ट्यूनिंग आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। अब 24 25 और 26 ये तनाव भरा दिन है स्ट्रेस। हाँ इसमें आपका स्पाउस यानी कि आपके पति या पत्नी का परिवार वाले लोग या उसके पैसे आपको मददगार होंगे। 24 25 26 को हस्बैंड अगर आप फीमेल है टोरस लग्न है ये बहुत मजेदार फीमेल लोगों के लिए लग्न है। लिब्रा टोरस स्पाइसिस ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्र का लग रहा है। पति से पैसा मांगने के लिए ये बढ़िया दिन है 24 25 26 और अगर आप मेल हैं तो अपने पार्टनर से पैसा मांगने के लिए बेस्ट है अगर आप बिजनेस करते हैं। 24 25 26 थोड़ा तनाव भरा तो रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा। अगर आपके पास व्हीकल है तो ड्राइव केयरफुली इफ यू हैव द व्हीकल। तो 24 25 26 को केयरफुली ड्राइव करिएगा, शांति से चलाइएगा और ये बात ध्यान रखिएगा। 27 एंड 28 सितंबर कोई माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा आपका, भाई बहन की के स्पाउस से यानी कि उसके पति या पत्नी से आपका कहीं ना कोई पाला पड़ेगा भाई बहन के पति या पत्नी से, पॉजिटिव बात है। और हो सकता है आपका ऑलरेडी विवाहित है तो पत्नी की बहन से कुछ संबंध आ सकता है, मतलब दोस्ती की बात नॉट नेगेटिवली, गंदे अर्थ में नहीं बोल रहा हूँ। 27 एंड 28 विल बी द रिलीजियस डे, कोई आध्यात्मिक सफर भी आप करेंगे इस टाइम, अच्छा है। 27 एंड 29 28 अब 29 30 और 1st अक्टूबर दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है, द बेस्ट फॉर द पर्सन हु इज अ जॉबलेस। काम धंधा के लिए मैं बहुत बार देखता हूं, देखिए बहुत शनि है कर्मस्थान में, मतलब आपको दुगना काम और लड्डू कोई और खाएगा। क्रेडिट गोज टू समवन, दूसरों को क्रेडिट मिलेगा, मेहनत ज्यादा करा रहा है और अगर आपने कुछ गलत किया है तो ये शनि आपको दंड देता ही है। 10th हाउस से जाता हुआ शनि अगर आपने कुछ गलत किया है तो ये दंड देता है और ये मार्च 2025 तक ऐसा ही काम आपसे मेहनत का काम करवाता रहेगा। अभी शनि वक्री है सो केयरफुल रहे कि आपने जो कोई गलत काम किया है तो ये आपको पनिशमेंट देने वाला है, ये बात ध्यान में रखें, शनि का ये रूल है। बिजनेस यस आई से बिजनेस यस मैंने बोला क्योंकि कर्मस्थान का स्वामी कर्मस्थान में कुंभ का शनि, ये आपकी मेहनत जरूर बढ़ाएगा। अगर ईमानदारी से काम किया होगा आपने तो ये आपका एम्पायर खड़ा कर सकता है। कुंभ का शनि शश योग कर्मस्थान में बना हुआ है और ये शनि वक्री सूर्य के सामने, जब भी कोई ग्रह सूर्य से 5, 6, 7, 8, 9 में से पास होता है, याद रखिएगा, इजी टू रिमेंबर, हमेशा रेट्रो होने का होता है। जब 6, 7, 8 में हो सूर्य के सामने हो तो ये कन्फर्म है वक्री होता है। 6, 7, 8 भी सूर्य से जो भी ग्रह 6, 7, 8 में हो वो रेट्रो होता है, वक्री है ये शनि। और वक्री मतलब गए जन्म से संबंध, या तो वो अपना काम का रेक्टिफिकेशन कर रहा है कर्मस्थान का आपका, आपके काम धंधे में अभी मेहनत ज्यादा मांग रहे हैं आप, ज्यादा मेहनत आपसे मांग रहे हैं। और आपके लिए मैंने पहले ही बोला बिजनेस के लिए यस, हेल्थ के लिए आपको ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं 18 19 20 सितंबर आपको केयरफुल रहना। आपका छेवा शुक्र गया लग्नेश अपने ही घर में, तो अपना
कैपेसिटी से ज्यादा मौज मजा करने से 18 सितंबर से 12 अक्टूबर लग्नेश 6 में ऐसा आदमी अपना दुश्मन खुद खड़ा करता है, खुद ही खुद का नुकसान करता है, ऐसा डिसीजन लेता है और ऐसा चीज का खर्चा कर देता है। मतलब आपकी कैपेसिटी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आपको पता है कि अच्छा नहीं अलग होता है मेरे शरीर के लिए, फिर भी आप एक नहीं दो तीन कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, वो सब करते हैं वृषभ लग्न वाले। शरीर के लिए मैंने ज्यादातर देखा है केयरफुल नहीं होता, इसका वजह लग्नेश और षष्ठेश एक ग्रह। आनंद अपने शरीर को नुकसान करके भी करने वाली जो आपकी मेंटेलिटी है वो आपको तकलीफ में डाल सकती है 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक, ये बराबर याद रखिएगा, नहीं तो फिर बाद में नुकसान शरीर का होगा और आप परेशान होंगे, मतलब फिर बाद में खांसी सर्दी ये सब आपको जुकाम ये सब होता है। स्टूडेंट के लिए 16, 17, 27 and 28 इज द बेस्ट। स्टूडेंट के लिए इस साल मई तक गुरु आपके लग्न में है, बुद्धि स्थान को देख रहा है, ये महीना भी अच्छा है केतु के साथ है। ये दिन उसमें से पर्टिकुलरली 16, 17, 27, 28 बेस्ट है। आप कोई स्टूडेंट नहीं है और शॉर्ट टर्म कोर्स भी करेंगे तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये गुरु की बहुत अच्छी कृपा है आपके बुद्धि स्थान पर एस्पेक्ट है। जो भी कोर्स करते हैं वो मई तक कंप्लीट हो जाए ये कोशिश करो, 13 मई 2025 तक, क्योंकि गुरु की पॉजिटिवनेस तब तक बहुत अच्छी टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखने के लिए बेस्ट है। ये महीना भी बेस्ट है, मैंने पहले ही बताया आपको, हैप्पीनेस एट होम और संतान की तरक्की। मैरिज के लिए यस आई ऑलरेडी टोल्ड, प्यार करते हैं उनके लिए 5 सितंबर, मैं 2-3 बार पहले भी बोला फिर से एक बार बोल रहा हूँ। और ये 5 सितंबर चंद्र शुक्र का कन्या राशि में यानी कि आपके लव हाउस में युति हुआ है, ये दिन रोमांटिक है, ये तो आपको 100% समझ जाएगा। जो लोग कला से जुड़े हुए हैं वो तो 100% महसूस कर पाएंगे 5 सितंबर को। शेयर मार्केट टू सेल योर स्टॉक, 9 तारीख आपके लिए आपका स्टॉक बेचने के लिए, शेयर बेचने के लिए बेस्ट है। और किसी को उधार पैसा दिया, हिंदुस्तान में एक बड़ा गजब चीज है कि आपने किसी को पैसा उधार दिया तो वापस मांगने के लिए मुहूर्त देखना पड़ता है, तो वो मुहूर्त है ये 7, 8 और 9 सितंबर का, 7 तारीख को 4 बजे के बाद का, यानी कि 8 तारीख को कॉल करोगे 9 तारीख को पैसा मिल जाना चाहिए। अगर ये पैसा नहीं मिलता तो ये महीना भर तक वो पैसा फंसा पड़ा रहे, कहीं भी कोई चीज से आपको 7, 8, 9 सितंबर यू विल बी हैप्पी एट विथ योर फैमिली, फूड फैमिली और फाइनेंस 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7 देखिए वहां से 9 तारीख बेस्ट है, उसमें 5, 6, 7 मैंने बोला बहुत अपने लिए है आपके लिए और 7, 8, 9 पैसे के लिए बढ़िया। अब देखें इसको थोड़ा कैलेंडर को देखें, ये देखिए गज केसरी योग की तारीख है, मैं जो कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा, और चंद्र शुक्र के योग है, ये 16 सितंबर से 22 सितंबर सूर्य बुध का परिवर्तन योग, लॉर्ड ऑफ द 5th और लॉर्ड ऑफ द 4th मतलब घर और संतान, मतलब हो सकता है आपका संतान कहीं फॉरेन में है तो अपने घर आएगा, संतान और घर कुछ खुशियों का मामला है, घर में खुशियों का और संतान के विषय में और खुशियों का कुछ कनेक्शन आ रहा है, हो सकता है संतान के विषय में कुछ घर का प्लानिंग हो, ये भी हो सकता है। तो ये परिवर्तन योग है 16 सितंबर से 22 सितंबर में, बहुत शॉर्ट टाइम है बट ये कुछ मिरेकल तो आपको देगा, 16 सितंबर से 22 सितंबर में आप क्रॉस चेक कर पाएंगे घर खुशियां और संतान, वो ये चीज। अब देखिए दर्श अमावस्या 2 सितंबर को इस महीने में, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाएंगे तो अच्छी बात है, ऐसे तो 11वां राहु है सडनली बहुत बड़ा पैसा ये देता है 11वां राहु, बहुत अच्छी चीज है। मैंने बोला जो वाइफ या हस्बैंड के साथ जो आपकी कॉन्ट्रोवर्सी जो बड़ी है 8 जुलाई से 8 सितंबर तक आपका स्पाउस आपका पति समझ में नहीं आ रहा है, आपकी पत्नी के साथ का जो कंट्रोवर्सी वो अब खत्म हो जाएगा 8 सितंबर के बाद, यानी कि 9 सितंबर से स्पाउस आपके इशारों से नाचेगा ये चित्र दिख रहा है। फिर भी अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में 2 सितंबर को नारियल बहा दीजिएगा। महीने में देखिए चतुर्थी वध पक्ष की चतुर्थी 21 सितंबर और सूद पक्ष की चतुर्थी 7 सितंबर गणेशमय, गणेश चतुर्थी है, हमारा पूरा मुंबई गणेशमय हो जाएगा 7 सितंबर से 17 सितंबर तक, 10 दिन का माहौल और ये गणेशमय हमारा पूरा मुंबई। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है पत्नी के साथ या पति के साथ कंट्रोवर्सी है, जनरली होता है क्योंकि जितने रोमांटिक आप है इसका वजह ये, आप जितने रोमांटिक है इतना स्पाउस आपका रोमांटिक नहीं, आप मौज मस्ती आनंद में जीने वाले पर्सनैलिटी, यू नो हाउ टू लिव द लाइफ, पैसा नहीं है तो मंदिर में जाके डांस करेंगे बट यू नो हाउ टू लिव द लाइफ, किस तरह से जिंदगी जीना ही आपको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन स्पाउस आपका काटने को दौड़ता है, विवाह नहीं हुआ है
समझो ये सप्तमेशी नीच राशि का है आपका कर्क राशि, तभी गड़बड़ है। तो गणेश पूजन करिएगा 7 सितंबर, 21 सितंबर और 17 सितंबर गणपति के मंदिर में जाइएगा। लड्डू का हो सके तो भोग लगाइएगा, या तो रोटी के अंदर गुड़ और घी डाल के छोटे छोटे लड्डू बनाइएगा, वो प्रसाद में रखिएगा। गणेश गायत्री मंत्र अथव शीश गणेश सहस्रनाम सुनिएगा, यूट्यूब में भी है, आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। और 15 सितंबर और 30 सितंबर प्रदोष है, जो शिव पूजा करते हैं शिव पूजन करते हैं उनके लिए है 15 सितंबर और 30 सितंबर शिव पूजन के लिए। इस महीने में श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, जो भी काम आपका इम्पोर्टेंट है उसको 19 सितंबर के पहले करने की कोशिश करो। बाद में 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। हम कोई भी चीज का नया बिगनिंग ज्यादातर इस समय में टालते हैं, 19 सितंबर टू 2 अक्टूबर, ये नोट करिएगा डेट। ये डेट में मैंने बोला ही आपको के कैलेंडर पे मार्क करने के लिए। इस महीने में 18 सितंबर चंद्र ग्रहण आपके 11वें स्थान में, बहुत नेगेटिव नहीं है आपके लिए। ये हिंदुस्तान में चंद्र ग्रहण दिखने भी वाला नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात को दिखाई दे सकता है, बट ये ग्रहण का समय है 6:11 को स्पर्श है, 8:14 को ग्रहण मध्य है और यहाँ 10:17 को ग्रहण मोक्ष है। जो मंत्र साधना करते हैं तो ये मंत्र सिद्ध करने के लिए बड़ा अच्छा समय होता है, टेक द एडवांटेज। आगे चलते हैं 26 सितंबर गुरु पुष्य नक्षत्र है। ये गुरु पुष्य नक्षत्र 23:34 रात को 11 के बाद शनि के नक्षत्र में, मतलब पुष्य नक्षत्र में गुरु चंद्र का जाना, शनि चंद्र का ऐसा तो विषयोग माना जाता है, इसके लिए उसको विवाह के लिए ये डेट को गुरु पुष्य नक्षत्र को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। गुरुवार पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य नक्षत्र को विवाह के लिए, इसके लिए क्योंकि पुष्य नक्षत्र का शनि चंद्र का विषयोग बनता है, यही वजह है। तो 23:34 से सनराइज तक ये टाइम है। इसमें आप इसका एडवांटेज ये ले सकते हैं कि अगर आपका कोई शत्रु से आप बहुत परेशान, ज्यादातर देखिए आपका लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, आप बिंदास आप लोग मुस्कुरा के दुश्मन बना लेते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि लग्नेश षष्ठेश एक ग्रह दुश्मन है तो है, वो बहुत मौत से दुश्मनी निभाते हैं। और इसके लिए बगलामुखी का अगर जो आप साधना करते हैं तो ये 27 सितंबर को सुबह 3 से 5 तक में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको करना है, आप शत्रु से पीड़ित है, तो 3 से 5 में बगलामुखी का जाप करिएगा सनराइज के पहले। देखिए ये जो 11 से 1 का समय है, ये समय है भोग करने का, भोगियों का समय। अब 1 से 3 जो समय है ये रोगियों का समय। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको कराते हुए मरीज दिखाई देंगे, बस वो पेन से 1 से 3 वो सो नहीं पाते पेशेंट, 1 से 3 बड़ा टफ टाइम होता है पेशेंट्स के लिए, रोगियों का टाइम है। और 3 से 5 है ये योगी का समय। उस वक्त अगर जो आप आध्यात्म से जुड़े हुए पर्सन है तो आपको डेफिनेटली नींद खुल जाती है 3 से 5 में, क्योंकि सूर्य धीर आपने लग्न में एंटर होना शुरू होता है। आप लग्न में मतलब पृथ्वी के क्षितिज पर वो टच होना शुरू होता है और ट्रांजिट का जो लग्न है वो शुरू हो जाता है, यानी कि सोई हुई सृष्टि जागना शुरू करती है। तो ये 3 से 5 योगी का समय। आप शत्रु से पीड़ित है तो बगलामुखी जाप करिएगा। आपके ज्यादातर मैंने देखा है जो लग्नेश और षष्ठी ये ग्रह, मैंने बहुत कोर्ट कचहरी में फंसे हुए वृषभ लग्न और वृश्चिक लग्न वालों को देखा है। वृषभ लग्न वाले फंसे होते हैं प्रॉपर्टी के मामले में, और आप लोग फंसे होते हैं किसी ईर्ष्या के मामले। लोग ईर्ष्या करते हैं आपकी समृद्धि की वजह से, और उसकी वजह से होता है तुला राशि आपके सप्तम में लगने षष्ठे। आपका पैसा वापरने का जो नेचर है, आपका जो कपड़े पहनने का नेचर है, अप टू डेट रहने का, उसकी वजह से आपके बहुत शत्रु बनते हैं। सो ये बगलामुखी का जाप करिएगा अगर 27 सितंबर को सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 से 5 में, लाभ देखिएगा आपको खुद को समझ में आएगा। 8 सितंबर शनि सूर्य का प्रतियुति आपके कर्मस्थान और चतुर्थ में, लेकिन मैंने बोला है खुशियों से भरा घर है, बट कुछ तनाव जरूर रहेगा, आपकी जबान पर कंट्रोल रखिएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा। 17 सितंबर चंद्र शनि की प्रतियुति युति है आपके 10th हाउस में, नो प्रॉब्लम। तृतीय दशम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये केयरफुल रहने की तारीख को बराबर नोट करके रखिएगा। ये चंद्र शुक्र का योग है, अगर आप शौकीन है तो इस तारीख को देखें। देखिए 20 सितंबर जो अपोजिशन है चंद्र शुक्र का आपके 6वें स्थान में, शुक्र तुला राशि में और चंद्र 12वें में, यानी कि ये शत्रु पीड़ा का दिन है ये सब दिन। चंद्र शुक्र आप अपने मौज मजा के लिए पैसा वापरते हुए अपने आप को, मैंने बोला ये जो 20 सितंबर है ये पैसा वापरने का दिन है, एक्सपेंसिव दिन है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना, मतलब आपकी कैपेसिटी से
ज्यादा मौज करने वाला ये टाइम है 18, 19, 20। अपना लिबोडो यानी कि अपने शरीर की कैपेसिटी को जानो। बाकी लॉजिकली देखिए, गुरु लग्न में आपके बहुत काम बनेंगे। अविवाहित लोगों को मई के पहले विवाह का मौका मिलना चाहिए। संतान प्लान कर रहे हैं तो ये महीना बेस्ट है, द बेस्ट टू प्लान अ बेबी। जो लोग आप लोग करते हैं बेबी प्लान करते हैं, एक तो डिले विवाह होता है आजकल की तारीख में, और 28 के बाद विवाह करते हैं, 28 तक नाम नहीं लेते और बाद में बेबी प्लान करने का लोगों को बार बार पूछते हैं, तो ये गुरु लग्न में और शुक्र पंचम में ट्राइन। शुक्र के ऊपर पूरा गुरु का एस्पेक्ट है, भले राहु केतु के साथ है लेकिन वो राजयोग बना हुआ है आपके लिए। लग्नेश केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो और साथ में राहु केतु हो तो राजयोग बनता है। अबाउट ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका वीडियो। और एक चीज बताता हूँ कि ये 18 सितंबर ये चंद्र ये ग्रहण का मैंने बताया आपके 11वें स्थान में है, तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। हिंदुस्तान में ये दिखने वाला नहीं है, सो इसका ज्यादा टेंशन नहीं है। इस दिन में यथाशक्ति दान धर्म करने का बड़ा महत्व है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।